अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ दिन पहले YouTube से देखकर एक तजर्बा किया था और उसमें हमने 27,000 का नुकसान किया था, तो आज फिर हम एक तजर्बा करने लगे हैं जी, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जनाब हमने YouTube पे देखा था कि आप जो इसका पानी होता ना इसी का, ये हमने नीचे उतारा है। नसर भाई हैं, ये बड़े एक्सपर्ट हैं जनाब, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और आज मैंने तकरीबन एक महीना इनके पीछे लग लग के इनको आज लेके आया हूँ मैं इस मिशन पे। और ये हमने यूट्यूब पे हम दोनों भाइयों ने देखा था कि एसी का जो पानी वाला पाइप होता है ना, जिससे पानी निकलता है, वो पाइप निकला खड़ा है, ठीक है। वो अगर उसको आप इस कंडेस्टर पे डाल दें तो कंडेस्टर जो है वो ठंडा रहता है और उससे जो है ना वो आपका एसी बिजली कम खाता है। तो आज हम ये जी तजर्बा करने वाले हैं, तो आपको हम दिखाते हैं ये भाईजान ये कर रहे हैं, ये आपको हम। और जी यहाँ पर मैं पाइप ले आया हूँ, एक मैं आपको दिखाता हूँ, गैस का पाइप है, उसको हमने इसके अंदर फिट करना है। यहाँ पे ये एसी लगा हुआ है, इसका पाइप जो है ना वो बाहर निकला हुआ है और पानी वाला, उसके आगे जो है हम ये वाला पाइप लगा देंगे, ठीक है जी। और आगे जो है ना मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं जाकर जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एसी हमने उतार लिया नीचे, ये खुला पड़ा है, और इस पाइप को हमने लगाना है इस कंडेस्टर के ऊपर। जब ये लग जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, और इससे जाना ये कंडेस्टर ठंडा रहेगा, कूल कूल रहेगा। और जैसे कि आपको पता है कि ठंडा ठंडा जब मौसम होता है तो उस टाइम, मलिक साहब एक मिनट ज़रा, उस टाइम जो है ना वो एसी आपका बिजली कम खा रहा होता है। तो ये जो पाइप है ये पानी इसका निकलेगा, कंडेस्टर को ठंडा रखेगा और ये बिजली कम खाएगा। ये हम सादा एसी आपने याद रखना, ये इन्वर्टर नहीं है। यहाँ पे नसर भाई, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह इसको ना ऐसे करेंगे जिस तरह पूरे कंडेंसर पे ना सुराख कर देंगे इस पाइप को जी, थोड़ी थोड़ी जगह पे सुराख करेंगे ताकि इसका पानी जो है ना वो अंदर चला जाए कंडेंसर के ऊपर, कंडेंसर के ऊपर एक एक कतरा गिरता रहे, उसकी वजह से इसका प्रेशर डाउन होगा और एम्पीयर कम लेगा और यानी कि बिजली कम लेगा। बस आपने इतने करना कि कतरा कतरा गिरे, कूलिंग ज्यादा करेगा, अच्छा बिजली का लोड कम होगा, अच्छा डबल फायदा, डबल फायदा। चले जी देखते हैं, अल्लाह खैर करे। वाह तो जी हमने ये बंद कर दिया इधर से, ये छोटे छोटे सुराख निकाल दिए हैं, कतरा कतरा इसमें से निकलेगा, ये हम अब लगाएंगे कंडेंसर के साथ, जब वहाँ पानी आएगा वो कतरा कतरा पूरे कंडेंसर पे जाएगा और गैस का प्रेशर कम होगा और एम्पीयर भी कम लेगा, कूलिंग ज्यादा करेगा और एम्पीयर कम लेगा, बिजली की सेविंग भी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर भाई क्या ये कर रहे हैं कारीगरी, ओ जिद्दाबाद, यही तो मैं चाहता था, सही जो है ना ये पक्का काम हो रहा है। अब ये ना इन्होंने इसके साथ पाइप को सी दिया, और ये जो जो बंदा ये वीडियो देख रहा है इनको हम बताएंगे कि जनाब हमें इतना फ़ायदा है। बहरहाल पहले मैंने चेक किया था तो पहले ना भाई ये पौने घंटे में एक यूनिट मेरा पी जाता था, और मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये जो है ना इन्वर्टर एसी नहीं है, नॉन इन्वर्टर एसी है जनाब, आप देख सकते हैं। और ये मेरा ना पौने घंटे में एक यूनिट ये पी जाता था, तो अगर अब इसने जनाब मेरा किया आधा यूनिट एक घंटे के अंदर, आधा यूनिट, इतना फ़र्क भी पड़ गया ना नसर भाई, बिल्कुल काफ़ी है, पड़ जाएगा अगर मतलब कि एक घंटा कर जे और आधा यूनिट में, और फिर इससे कूलिंग भी बढ़ जाती है, साथ ये भी बात है। तो ये भाई ने जो है ना इसको सी दिया इसके साथ, अब ये आप देखते जाए, फिर आपकी ना मैं डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर भी दे दूंगा। तो ये जो है ना भाई 2500 रुपया लेते हैं इस काम का, और आपका एसी जो है ना वो इन्वर्टर बन जाता है। और जी पाइप हमने सी दिया है कंडेस्टर के ऊपर और टापा हमने कर दिया है बंद, अब हम इसको ऊपर लगाएंगे यहाँ पे। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एसी का जो इनडोर है वो जहाँ पर लगा हुआ है उसका आउटडोर जो है उससे थोड़ा सा नीचे हो, ताकि पानी जो है वो इजीली उसके ऊपर गिर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्रेकर ऊपर हो गया और एसी हो गया ऑन, और जनाब अब जो है ना हम जाकर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है जी। यहाँ पे हमने ऊपर रख दिया है, ऊपर रखने की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं साथ शामिल था, एक सीढ़ी पे मैं था और एक पे भाई थे, तो उसकी वीडियो हम नहीं बना सके। अभी इसको हमने चला दिया और कनेक्शन लगा दिए हैं, बस अभी पानी का कनेक्शन लग गया, कनेक्शन अच्छा टेप लाऊं, ठीक है ये इसका हमने जो
पानी निकलता है वो हमने इसके साथ लगा दिया, ये कंडस्टर पे गिरेगा, ठीक है जी। अच्छा भाईजान, अब मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास एम्पेयर मीटर है, जैसे ही इसका कंप्रेसर चले आप हमें एम्पेयर मीटर चेक करवाएं और टाइम नोट करें या ना करें, ये कंप्रेसर चल गया वो कल चेक करेंगे ना, अभी पता नहीं चलेगा। अच्छा जी, उसकी क्या वजह? जब तक वो पानी सही बार नहीं निकलेगा, हाँ जी, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो पानी चले ठीक है, फिर वो एम्पेयर बाद में चेक कर लेते हैं। इंशाल्लाह कल चेक करेंगे ना, जिसको कल घंटा चला के ना जी, उसके बाद फिर चेक करेंगे ना, फिर वजह पता चल जाएगा। ठीक हो गया भाईजान। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस टाइम शॉप की बाकी सारी चीजें बंद है, ठीक है जी, और हमने एसी को चला दिया है। तो आप देखते हैं कि ये इसके कितने ये एम्पेयर जो है ये कंज्यूम करता है। अच्छा भाईजान, आपको याद होगा कि ये काम करने से पहले हमने एम्पेयर चेक किए थे, उसकी हमने वीडियो तो नहीं बनाई थी, लेकिन आपने चेक किया था, तो उस वक्त कितना एम्पेयर ये ले रहा था, कुछ याद है आपको? छः एम्पेयर ले रहा था। तो जनाब, अभी इसने स्टार्टिंग नहीं पकड़ी, अभी हम आपको दिखाते हैं कि कितने स्टार्टिंग से लेगा। अच्छा जी, स्टार्टिंग तो उतने ही होंगे लेकिन बाद में कम हो जाएगा, ठीक है जी। एसी जनाब चालू हो चुका है और यहाँ पे हमारे गार्ड मदर साहब बैठे हैं, और बाकी आज मौसम कुछ बेहतर है, गर्मी कुछ कम है। अच्छा जी, कंप्रेसर की स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है, और भाईजान खुशखबरी ये सुना रहे हैं कि आप देख लें कि स्टार्टिंग इसकी होती थी 6-7 एम्पेयर और इसकी स्टार्टिंग ही कम हो गई है, 3-3.5 एम्पेयर पे आ गई है स्टार्टिंग ही। और आगे भाईजान अभी खुशखबरी ये सुना रहे हैं कि जब इसका वो पानी फेंकने लग जाएगा कंडस्टर पे, तो फिर यह मज़ीद जो है वो कम कर जाएगा एम्पेयर। मैं कहता हूँ कि अगर 2.5 पे भी आ जाए तो तब भी बहुत है, हम खुश हैं। अच्छा जी, अब ये रेगुलर चल रहा है और इसने 2 एम्पेयर कम किए हैं। पहले जब हम इसको चलाते थे तो ये खाता था 6 एम्पेयर और अब ये खा रहा है 4 एम्पेयर। तो ये हमारे तजर्बे का ये फ़ायदा हुआ है कि 2 एम्पेयर जो है ना वो कम कर लिए हैं इसने, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पहले ये 1.25 घंटे में एक यूनिट उड़ा जाता था, अब ये पूरा 1 घंटा भी एक चल के एक यूनिट नहीं उड़ाता। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग यहाँ करते हैं एंड। आपको व्लॉग पसंद आया हो तो इस पर भी आप भी कर लें, इस तरह आपका बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे बिजली हो गया बहुत महंगी। तो आज का व्लॉग था यहीं तक, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।